हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये वीडियो आज पाइथन की ये वीडियो है और इसमें हम फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने सी लैंग्वेज वाली फंक्शन की वीडियो देखी है तो आपको ये सीखना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है कि एक बार हमने कोई कोड लिख दिया, ठीक है, सपोज कीजिए एक बार हमने कोई कोड लिख दिया, अब उसको हम बार बार कोड को लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार उसको हम बना लें उस फंक्शन को, जब भी हम उसको कॉल करें तो वो हमारा रिजल्ट देता रहे। सपोज कीजिए आपने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और प्राइम नंबर का प्रोग्राम अब आपको 5 बार या 10 बार यूज करना है, तो आपको 10 बार आपको वो प्रोग्राम को पूरा कोड लिखना पड़ेगा तभी तो रन करेंगे, या तो फिर आप उसको खोलिए फिर बंद करिए, खोलिए फिर बंद करिए, एक बार में पूरा प्रोग्राम रन करें, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और ये पाइथन में दो प्रकार के होते हैं, एक विथ आर्गुमेंट और एक विदाउट आर्गुमेंट। तो आइए देखते हैं, पहले विदाउट आर्गुमेंट की बात करते हैं। यहां से ओपन हो गया ये। अब ओपन करने के बाद यहां पे करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले यहां पे हम डेफ यूज करेंगे, विदाउट डेफ हम ये काम नहीं कर सकते, तो यहां डेफ यूज कर लिया हमने। और इसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रिंट मैसेज, प्रिंट एमएसजी कर देता हूं मैं, और जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना होगा वो, अब चूंकि ये विदाउट आर्गुमेंट है तो इसके बीच में मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ कोलन लगाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वो मैसेज जो हम देना चाहते हैं। हेलो, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो दिस इज कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये दे दिया हमने, इसको यहाँ से बंद किया, ठीक है, या फिर थोड़ा गैप देके भी बंद कर सकते हैं। अब बंद करने के बाद हमें करना क्या है, इसको ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, एक बार और एंटर करना है, तो ये इस तरह का आएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ लिखना है प्रिंट एम एस जी, क्योंकि इसी नाम से हमने बनाया है, प्रिंट एम एस जी यहाँ लिख दिया हमने। और इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है और जो मैसेज हमने लिखा है वो नीचे प्रिंट होकर आ जाएगा आपके सामने है। देख सकते हैं हेलो दिस इज कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जब भी आपको ये मैसेज प्रिंट करवाना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा प्रिंट, ठीक है, और एम एस जी, ठीक है, बंद कीजिए, एंटर करिए, तो ये मैसेज प्रिंट होकर बार बार आ जाएगा, सिर्फ आपको कॉल करना है। आइए समझते हैं कि अब विथ आर्गुमेंट इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफ लिखेंगे, ये डेफ का कॉन्सेप्ट भी मैं अलग से समझाऊंगा आपको कि ये डेफ क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, फिलहाल ये वीडियो जिस चीज के ऊपर है उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ प्रिंट, ठीक है, अब हम विथ आर्गुमेंट समझ रहे हैं इसको, ठीक है, प्रिंट, अब यहाँ लिखता हूँ माई नेम, माई नेम, प्रिंट माई नेम लिख दिया हमने। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है नेम, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आप प्रिंट करिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, एंटर प्रेस किया। नीचे आने पर हमें करना क्या है, नीचे आने पे यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे करना है आपको डबल इंटेड कॉमा ओपन, और यहाँ लिखिए माई नेम इज, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे लिखिए प्लस, चूंकि इसमें ऐड रहेगा ये नेम, नेम आप खुद टाइप करेंगे या खुद इसमें लिखेंगे, जो भी नाम देंगे वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ब्रैकेट को करिए क्लोज और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए दो बार, दो बार एंटर प्रेस करने से यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर अब आपको कराना है वो नाम प्रिंट करवाना है, तो लिखिए प्रिंट नेम, ठीक है, फंक्शन कौन सा बनाया हमने, यहाँ पे प्रिंट माई नेम से बनाया है, तो आपको प्रिंट नेम के बजाय माई नेम लिखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्रिंट माई नेम ये लिख दिया हमने। और प्रिंट माई नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम डबल इंटेड कोट्स में, जैसे मैं लिखता हूँ एस यू आर ए जे, सूरज लिख दिया हमने, ठीक है, इसको बंद किया ब्रैकेट को। अब क्या करना है आपको, अब एंटर प्रेस करना है, ठीक है, जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखिए माय नेम इज सूरज लिख के आ रहा है, ठीक है।